नमस्कार दोस्तों, देखिए जो ग्रहण है ये 25 अक्टूबर को 4:29 से लेके 5:42 तक लगेगा। ये जो ग्रहण है ये सबसे ज़्यादा लिब्रा राशि को जो स्वाति नक्षत्र में हुए हैं उनको असर करेगा। वैसे तो देखिए जो कार्तिक मास में ग्रहण लगता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो ग्रहण है ये ट्यूसडे के दिन लग रहा है। इसकी वजह से जो मार्स है, जो मंगल है, वो इफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि इस ग्रहण का हर राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जो एरीज राशि है उनके लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, खासकर जो उनकी स्पाउस है, उनके पार्टनर्स हैं, उनके लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। जो तौरस राशि के लोग हैं उनके लिए ग्रहण अच्छा माना जाएगा, उनके लिए उनकी वेल्थ और उनकी हैप्पीनेस उनकी इंक्रीज होगी। जो जेमिनी राशि के लोग हैं उनके लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, उनकी जो टेंशन्स हैं वो इंक्रीज होंगी। जो कैंसर राशि है उनके लिए भी ये ग्रहण अच्छा नहीं है, उनकी जो मेंटल टेंशन्स हैं वो इंक्रीज होंगी। जो लियो राशि है उनके लिए ग्रहण अच्छा माना गया है, उनके लिए जो धन है, मनी है, वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम वर्गो राशि की बात करें उनके लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना गया है, उनके लिए मनी की हानि, लॉस ऑफ मनी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लिब्रा राशि है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इनऑस्पिशियस टाइम है और ये ग्रहण उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और जो स्कॉर्पियो राशि है उनके लिए भी ये ग्रहण अच्छा टाइम नहीं है, उनका भी लॉसेस इस टाइम पे लिखे हैं। लेकिन जो सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन राशि है इनके लिए ग्रहण बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, हर तरीके से ये ग्रहण उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो एक्वेरियस राशि है उनके लिए ग्रहण डीफेम लेके आएगा कि उनके नाम, उनकी प्रतिष्ठा, उनके कद, उन सब में दाग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो पाइसेस राशि है इनका भी लिब्रा वाला ही होगा कि इनके लिए भी ग्रहण अच्छा नहीं है और सबसे ज़्यादा इनऑस्पिशियस लिब्रा और पाइसेस राशि के लिए है। देखिए ये मान के घबराइए मत, क्योंकि ग्रहण जो है इसका असर खाली एक महीने के लिए रहता है। आप ग्रहण वाले टाइम पे जब ये ग्रहण लग रहा है उस टाइम पे आप जो गायत्री मंत्र होता है या जो भी आपके ग्रह खराब है वो वाला मंत्र करिए, उनके जो बीज मंत्र हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे वो करिए। क्योंकि ये जो 40 मिनट का टाइम है, जो ग्रहण का टाइम है, ये सबसे पावरफुल टाइम है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का। अगर आप उस टाइम पे किसी भी मंत्र को करते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आप इस मौके का फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि आपको आने वाला टाइम आपका कितना अच्छा जाए आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगलमय जाए। जय श्री कृष्णा।